हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे एक प्रोडक्ट के बारे में और उस प्रोडक्ट का नाम ग्रेलेज है। तो आज हम ग्रेलेज प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसमें क्या टेक्निकल पाया जाता है, इसको हम जब भी फसलों पर प्रयोग करते हैं तो ये किन किन रोगों को कंट्रोल करता है, इसको हम किन किन फसलों पर प्रयोग कर सकते हैं, इसको कब और कैसे प्रयोग करना चाहिए, इसकी कितनी मात्रा हमको फसलों पर प्रयोग करनी चाहिए, इसकी कीमत क्या है, इसको हम किन किन प्रोडक्टों के साथ प्रयोग कर सकते हैं, इसके अल्टरनेटिव प्रोडक्ट मार्केट में कौन कौन से हैं, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे खेती संबंधित नई नई जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे एक प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम ग्रेलेज है, जो कि ये सिंजेटा कंपनी का ये प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट एक फंजीसाइड भी है और फंजीसाइड के साथ साथ ये एक बैक्टीरियासाइड भी प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट में दो टेक्निकल पाए जाते हैं। पहला टेक्निकल इसमें कासुगामाइसिन पाया जाता है और दूसरा प्रोडक्ट इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड टेक्निकल पाया जाता है। पहला जो इसमें टेक्निकल पाया जाता है कासुगामाइसिन, वो 5% पाया जाता है और दूसरा इसमें जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड टेक्निकल पाया जाता है वो 45% WP फॉर्मुलेशन में पाया जाता है, जिसको हम वेटेबल पाउडर बोलते हैं, जो कि पानी में आसानी से घुल जाता है। ये एक कॉन्टेक्ट और सिस्टमेटिक फंजीसाइड है और जैसा कि हमने आपको बताया ये फंजीसाइड भी है और बैक्टीरियासाइड भी होता है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियासाइड है और फंजीसाइड भी है। कहने का मतलब कि इसका जब भी हम फसलों पर प्रयोग करते हैं तो ये कई बैक्टीरिया को और कई फंगस को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। बात करें कि इसका जब भी हम फसलों पर प्रयोग करते हैं तो ये किन किन रोगों को कंट्रोल करता है, तो ये आपकी फसल में लगने वाले जैसे कि बैक्टीरियल लीफ स्पॉट रोग लगता है उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा बैक्टीरियल ब्लाइट रोग लगता है उसको भी कंट्रोल करता है, फ्रूट रॉट को कंट्रोल करता है, एंथ्रेक्नोज को कंट्रोल करता है, लीफ ब्लास्ट को कंट्रोल करता है, नेक ब्लास्ट रोग को कंट्रोल करता है। ये इस तरीके से ये कई रोगों को कंट्रोल करता है। बात करें कि इस प्रोडक्ट को हम किन किन फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, तो इस प्रोडक्ट को आप सभी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि मिर्च, टमाटर, बैगन, फूलगोभी, बंद गोभी, कपास, सोयाबीन, उड़द, मूंग, सेब, आम, अंगूर, लीची, स्ट्रॉबेरी, इनके अलावा और भी अन्य फसलों में आप इसका बेहद प्रयोग कर सकते हैं। बात करें कि इस प्रोडक्ट को हम कब और कैसे प्रयोग कर सकते हैं, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि इस प्रोडक्ट को कब प्रयोग करना है। तो इस प्रोडक्ट को आप फसल की ग्रोथिंग स्टेज पर प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आपकी फसल ग्रोथिंग स्टेज पर होती है उसी समय इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग जब आपकी फसल फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज पर आ जाती है उस समय इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। और इसका एक नर्सरी में भी प्रयोग कर सकते हैं। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनकी नर्सरी तैयार की जाती है, जैसे कि मिर्च है, टमाटर है, बैगन है, फूलगोभी है, बंद गोभी है, तो इन फसलों में आप इसका नर्सरी में भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसको कैसे प्रयोग करना है, तो इसको आप एक ही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं कि जब भी आप फसल पर छिड़काव कर रहे हैं तो छिड़काव के समय ही आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, तो ये एक सिस्टमेटिक और कॉन्टेक्ट फंजीसाइड है। कहने का मतलब कि इसका जब भी हम फसल पर छिड़काव करते हैं तो इसके संपर्क में जो भी फंगस आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, उनको भी ये कंट्रोल करता है और ये सिस्टमेटिक तरीके से फसल पर फंगस को और बैक्टीरिया को कंट्रोल करता है। ये प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों स्टेज पर काफी अच्छी तरीके से काम करता है। प्रिवेंटिव स्टेज पर कहने का मतलब कि जब आपकी फसल पर रोग नहीं है उससे पहले यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तब भी ये काफी अच्छा काम करता है, आपकी फसल पर रोग को कंट्रोल करता है। और ये इसको हम क्यूरेटिव स्टेज पर भी प्रयोग कर सकते हैं। क्यूरेटिव स्टेज का मतलब ये है कि जब आपकी फसल पर रोग आ जाते हैं उसके बाद यदि हम इस प्रोडक्ट का प्रयोग करते हैं तो लगभग 80-90% तक ये रोगों को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। तो ये प्रिवेंटिव स्टेज पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और क्यूरेटिव स्टेज पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बात करें इस प्रोडक्ट को हम किन किन प्रोडक्टों के साथ प्रयोग कर सकते हैं,
तो ये एक फंजीसाइड और बैक्टेरियासाइड भी है, तो इसको आप जहां तक हो सके वहां तक आप इस प्रोडक्ट को केवल अकेले ही प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ यदि आप किसी और कीटनाशक का प्रयोग करते हैं या किसी टॉनिक का प्रयोग करते हैं तब इसका रिजल्ट काफी कम देखने को मिलता है। यदि आप इसका क्यूरेटिव स्टेज पर प्रयोग कर रहे हैं तो केवल इसका ही प्रयोग करना चाहिए, उसके 3 से 4 दिन बाद आप किसी और स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप जहां तक हो सके वहां तक आपको केवल इसका ही प्रयोग करना है। बात करें इसकी रेनफास्टनेस की, तो इसकी स्प्रे करने के बाद 3 से 4 घंटे बाद बरसात भी हो जाती है तब भी ये पूरा रेड दिखाता है, और यदि आप इसका स्टिकर के साथ प्रयोग करते हैं तब और भी अच्छा इसका रेड देखने को मिलता है। बात करें इसके रेड ड्यूरेशन की, तो इसकी एक बार स्प्रे करने के बाद लगभग 12 से 15 दिनों तक काफी अच्छा रेड देखने को मिलता है। यदि आप स्टिकर का प्रयोग करते हैं तो और भी अच्छा रेड देखने को मिलता है। बात करें कि इसकी डोज कितनी हमको प्रयोग करनी चाहिए, तो इसकी जो डोज है वो आपकी फसल की अवस्था पर और फसल के प्रकार पर निर्भर करती है। एक एवरेज लगभग यदि आप इसकी स्प्रे ग्रोथिंग स्टेज पर कर रहे हैं तो लगभग 300 से 350 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप पानी के हिसाब से प्रयोग कर रहे हैं तो लगभग 30 ग्राम से 35 ग्राम प्रति 15 से 16 लीटर पानी में प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप इसका नर्सरी में प्रयोग कर रहे हैं तो नर्सरी में भी आप 30 से 35 ग्राम प्रति 15 से 16 लीटर पानी में प्रयोग कर सकते हैं। बात करें इसके पैकिंग साइज की, तो ये आपको मार्केट में 100 ग्राम में, 250 ग्राम में, 500 ग्राम में और 1 किलो में अवेलेबल हो जाएगा। बात करें इसके अल्टरनेटिव प्रोडक्ट की, तो इसके जो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट हैं वो अलग अलग कंपनियों के अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं, टेक्निकल यही रहता है। जैसे कि धानका कंपनी कोनका प्रोडक्ट के नाम से देती है, और धानका कंपनी का जो कोनका प्रोडक्ट है वो काफी हमारे भारत देश में काफी फेमस प्रोडक्ट माना जाता है, काफी फेमस प्रोडक्ट है भी। इसके अलावा एक दूसरा प्रोडक्ट है जो कि रेफाल है, जो कि ग्लोबल कंपनी का ये प्रोडक्ट है, इसमें भी यही टेक्निकल पाए जाते हैं। तो आप जब भी अपनी फसल पर छिड़काव कर रहे हैं तो यदि किसी भी कंपनी का यदि यही टेक्निकल मिलता है तब आप इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। आप सिंजेटा का, ग्रेलेज प्रोडक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, धानुका के कौन का प्रोडक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, ग्लोबल का, रेफाल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इनके अलावा और भी अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से देती हैं, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आपके मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है आप केवल टेक्निकल को देखकर प्रयोग कर सकते हैं। बात करें इसकी कीमत की, तो इसकी जो कीमत है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भी हो सकती है, रेटें प्रतिवर्ष बढ़ती भी रहती हैं। एक एवरेज लगभग ये आपको मार्केट में 2500 रुपए से लेकर 3000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगा, और आपके यहाँ किस रेट में मिल रहा है आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। इसकी कीमतें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती हैं, तो आप कीमतों पर न जाएं, एक अनुमानित कीमत हमने इसमें बताई है। तो यदि आपकी फसल में बैक्टीरियल कोई भी रोग हो तब आप इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं, काफी अच्छी तरीके से ये काम करता है। तो ये रही सिंजेटा के ग्रेलेज प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल, और यदि आपको वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान।